नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर हाथरस से है, जहां किसान नेता और गांव किसान उन्नयन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह ठानुआ ने ममता बनर्जी द्वारा रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ पर राजनीतिक बयानबाजी करने व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण मिशन के कार्यालय पर हमले को लेकर नाराजगी जताई है। केपी सिंह ठानुआ ने अहम बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को संत समाज से माफी मांगनी चाहिए और रामकृष्ण मिशन कार्यालय पर हमला करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही केपी सिंह ठानुआ ने गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट को एक्स पर ट्वीट करते हुए कांग्रेस और टीएमसी पर लोकसभा चुनाव के चलते भारत विरोधी तुष्टिकरण विचारधारा को समर्थन करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वह निंदनीय है और रामकृष्ण मिशन और ऐसे महान जो संस्थाएं हैं उनके बारे में जो प्रश्न उठाकर उन्होंने बहुत ही संत और साधु समाज संत समाज का अपमान किया है, यह इसकी निंदा होनी चाहिए क्योंकि तुष्टिकरण के लालच में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। और जलपाईगुड़ी वाले रामकृष्ण मिशन आश्रम पर जो हमला हुआ है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। और जो 24 मई को वहाँ पर संतों द्वारा जो प्रोटेस्ट जो रैली निकाली जा रही है उसका मैं पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि इस देश में संत समाज का एक बहुत ही सम्मानित स्थान है। ऐसी जगह पर आप चाहे किसी भी सर्वोच्च पद पर बैठे हैं लेकिन आप संतों से बड़े नहीं हो सकते। जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टिकरण की राजनीति करी उसी राजनीति को घुसपैठियों के माध्यम से घुसपैठियों को रिझाने के लिए कुछ धर्म के वोटरों को रिझाने के लिए इस तरह के कृत्य न करें। माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी से निवेदन है कि संत समाज के ऊपर आपने जो बयान दिया है कि ये बीजेपी के सारे पर कार्य करते हैं, इस बयान को वापस भी लें और संत समाज से माफी मांगने का कार्य। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।